यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, जो स्टूडेंट वीजा पे आते हैं, जो बेसिकली उनसे रिलेटेड एक न्यूज आई है. तो बेसिकली उसमें ये कहा है कि जो स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटीज ने केवल ऑनलाइन क्लासेस कर दी हैं, लाइक 100% ऑनलाइन, उनको एज F1 स्टूडेंट या एज F1 वीजा स्टूडेंट US में रह नहीं सकते वो बच्चे. तो अभी बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस सिचुएशन, इसकी वजह से ऑलरेडी बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन क्लासेस देने लगे हैं. एंड बहुत सारे ऐसे हैं जो 100% ऑनलाइन हो गया है, जैसे हार्वर्ड में ऐसा हो गया है. सो इन दैट उस केस में अगर आप या आपके बच्चे वो लोग अगर F1 वीजा स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, या जिनका एडमिशन हुआ था और फॉल 2020 सेमेस्टर में वो यहाँ आने वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा रिस्क है. तो बेसिकली बोला इन्होंने ये है कि अगर आपके जो भी बच्चे हैं वो अगर ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीटली अटेंड कर रहे हैं, तो उनको वापस, अगर वो US में हैं, तो उनको वापस अब इंडिया जाना पड़ेगा या अपने होम कंट्री जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं. ये एक लॉजिक होगा इज व्हाट आई एम, जो मुझे लग रहा है. तो इसमें भी अब डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं. एक स्टूडेंट्स है जो ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे हैं और उनका फॉल 2020 सेमेस्टर में अब जा रहे हैं. तो बेसिकली इस केस में कर ये सकते हैं बच्चे जो कि यहाँ पर हैं, वो ये कर सकते हैं कि अगर उनकी टोटली ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो वो या तो एक इन पर्सन जो कि क्लासरूम में जाके क्लास होता है, वैसे यूनिवर्सिटी में अपना ट्रांसफर करा ले, या तो एक हाइब्रिड मॉडल वाली. हाइब्रिड मॉडल जैसा नाम से ही है कि वो कुछ क्लासेस ऑनलाइन होंगी, कुछ क्लासेस आपको इन पर्सन जाके अटेंड करनी पड़ेगी. तो ये एक ऑप्शन है कि ऐसा करना पड़ेगा उन्हें अपना वीजा स्टेटस बचाने के लिए. तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज जो हैं वो तो नहीं चाहेंगी ना कि उनके बच्चे वापस चले जाएं, उनका लॉस है, राइट? तो परेशान नहीं होइए. ऑब्वियसली वो लोग ट्राई करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके सारे बच्चे सही से हो. एंड ऐसा आई एम गेसिंग कि वो मोस्टली हो सकता है वो लोग वो हाइब्रिड मॉडल कर दें, जिसमें कि कुछ ऑनलाइन कुछ इन पर्सन क्लासेस हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं. सो दैट इज वन पॉसिबिलिटी. अब एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो भी हैं जो अभी इंडिया में या अपनी होम कंट्री में हैं, और फॉल 2020 में वो एज ए न्यू स्टूडेंट आने वाले थे. तो उनके लिए अब परेशानी ये है कि उनका तो अभी वीजा इंटरव्यू होना है. वीजा इंटरव्यू पहले हो नहीं रहा होगा अभी इंडिया में, बिकॉज सब कुछ बंद है. तो पहले तो वो प्रॉब्लम, फिर जब वो वीजा इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वीजा मिलने की पॉसिबिलिटी है नहीं, अगर आपके पास आपकी सारी ऑनलाइन क्लासेस हैं. तो या तो अब आप तो उस केस में एक चांस ऑप्शन है कि आप डेफर करा लें अपना, यानी कि नेक्स्ट ईयर एडमिशन के लिए आए, और वरना अगर आपका इन पर्सन क्लासेस या हाइब्रिड मॉडल है तब आपको वीजा मिलने के चांसेस हैं, बट आई डोंट नो कितने हैं. तो यही है बेसिकली. तो परेशान नहीं होना है ज्यादा. ये सब चीजें अभी पैंडमिक की वजह से सब कुछ बहुत अनसर्टेन है, बहुत अनफॉर्चुनेट है ये. सीरियसली इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, लेकिन परेशान होना तो होगा ही, बट साथ साथ में काम भी करना है. यू हैव टू सी कि यूनिवर्सिटी से अच्छे से अपने कांटेक्ट में रहें, तो यूनिवर्सिटीज बेटर आइडिया देंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है. सो डोंट पैनिक एंड जस्ट स्टे काम. लोग हैं आपकी मदद के लिए, रिसोर्सेज हैं आपकी मदद के लिए. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे लिंक्स डाल दूंगी जहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है या हेल्प मिल सकती है. सो जस्ट टेक केयर.